हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन ऑफ चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 दैट इज सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि अगर कोई बंदा है, ठीक है ना, वो बंदा नीचे खड़ा है, जमीन से ऊपर की तरफ देख रहा है, ठीक है। तो ऊपर जब देख रहा है तो क्या बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। जो एंगल बनेगा उस एंगल का क्या नाम है, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे उसको। समझ में आया? चलिए, और वो जो लाइन बनेगा ना, ऊपर वाला लाइन, अगर स्ट्रेट लाइन बन रहा है ऊपर वाला तिरछी लाइन, उसको बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ साइट। और जो नीचे लाइन बनता हुआ है हॉरिजॉन्टल लाइन, क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन। वैसे ही अगर कोई बंदा है, ठीक है ना, बिल्डिंग के ऊपर खड़ा है और नीचे देख रहा है, ठीक है ना, जब नीचे देखेगा तो क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। नीचे देखेगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, ऊपर देखेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन। बस ये दो चीज जानना आपको इस चैप्टर में, ठीक है। आप जानिए कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होते हैं, दोनों सेम होते हैं। अगर एक ही फिगर में बात किया है तो एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल क्या होता है, अल्टरनेट एंगल से आपस में इक्वल होते हैं, इसलिए आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, सेम होगा, याद रखेंगे। अब और एक बात जान लीजिए, इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना क्या है, इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है हाइट डिस्टेंस और थीटा के मान। मतलब जो क्वेश्चन पूछेगा हमसे, या तो हाइट निकालने बोलेगा, या तो डिस्टेंस, या तो थीटा निकाल दो बोलेगा आपको, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा आगे, ठीक है। आपको और क्या जानना है इस चैप्टर को बनाने से पहले, आपको याद पता होना चाहिए कि साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है। साइन थीटा मतलब पी बाय एच, कोस थीटा बी बाय एच, टेन थीटा पी बाय बी होता है, याद रखना है। और आपको जानना है टेबल, टेबल मतलब साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, ये हम लोग को पता रखना है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.1 सॉल्यूशन नंबर 1। उससे पहले देखते हैं क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोला अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रॉप व्हिच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. देखिए बोला है कि एक सर्कस है, सर्कस में एक आर्टिस्ट है, वो चढ़ा किसी पोल पे, ठीक है। वो पोल का हम लोग को लंबाई पता नहीं है, हाइट पता नहीं है, बट हम लोग वो जहाँ पे चढ़ा है, चढ़ने के बाद वहां पे एक रोप है, क्या है, रोप, रोप से वो नीचे आता है, ठीक है ना, या फिर ऊपर जाता है। इस रोप पे वो जब स्लाइड कर रहा है, मतलब जा रहा है, तो इस रोप का जो लेंथ है वो दिया हुआ 20 मीटर, ठीक है। क्या दिया हुआ जी, लॉन्ग दिया हुआ है, क्या है, इसी से चढ़ रहा है एक्चुअली में, ठीक है ना, ये बंदा इसी से जा रहा है, और ये रोप का जो लेंथ है वो कितना है, 20 मीटर गिवन है, सॉरी, ठीक है ना। चलिए तो और क्या दिया हुआ, और गिवन है 30 डिग्री ये एंगल बना रही है, ये जो रोप है, अगर ये जमीन में है, नीचे है ना, और ये पोल से बंधा, ये जो इंक्लाइंड है, इस रोप का लेंथ कितना है, 20 मीटर, इट इज गिवन एंड द 30 डिग्री इज ऑल्सो गिवन, है ना। चलिए अब हम लोग को क्या करना, बोल रहा है कि जो पोल है, पोल का ऊंचाई कितना है, हाइट कितना, व्हाट इज द हाइट ऑफ द पोल, क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। क्या पूछ रहा है जी, हाँ, तो क्वेश्चन क्या पूछा, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, आपको पूछा हाइट ऑफ द पोल पूछा, लिख दिया, ठीक है। अभी हम लोग हाइट ऑफ द पोल निकाला, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपको एक ट्रिक बता दूं, इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जो जितने भी क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को फाइंड करने का सबसे आसान तरीका ये है कि जो गिवन है, ठीक है ना, जो गिवन है और जो निकालना है, दोनों को क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे। तो क्या गिवन है हम लोग का, एसी गिवन है, क्या फाइंड करना, एबी, तो एबी बाय एसी को क्या करेंगे, एबी और एसी को कंपेयर करेंगे, तो एबी डिवाइडेड बाय क्या लिख दिया, एसी लिख दिया, ठीक है। तो एबी को क्या लिखेंगे, एबी क्या एक्चुअली में पी है, पी लिख दिया, और एसी क्या है आपका, एच है, एच लिख दिया। पी बाय एच किस में होता है, पी बाय एच देखो तीनों में से किस में होता है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, किस में होता है, साइन थीटा में, साइन थीटा लिख दिया। अब थीटा का जो वैल्यू है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द थीटा, वी हैव 30 डिग्री, लिख दिया साइन 30 डिग्री। अब हम लोग को पता करना है कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री, तो क्या होता है 1/2 लिख दिया, ठीक है। और जो पी था, पी का वैल्यू क्या था, मतलब कुछ नहीं है, पी का वैल्यू पता ही नहीं है ना, पता करना, तो वी कैन राइट ए बी, मैंने ए बी लिख दिया, आप पी भी लिख सकते हो, ठीक है, लिख दिया। नीचे क्या है, एच है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एसी, वी हैव एसी मतलब एच का वैल्यू क्या, 20 मीटर दिया हुआ है, लिख दिया। अभी ऊपर नीचे वाले को ऊपर से, ऊपर वाले को नीचे से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू ए बी करेंगे, 2 इंटू ए बी हो गया, 2 इंटू 20 इंटू 1 करेंगे, 20 हो गया, 2 और ए बी के बीच में क्या है जी, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई किसमें चेंज हो जाएगा, डिवाइड में चेंज हो गया, 2 1 2 एंड 2 10 जा क्या आ गया, 10 मीटर आ गया, 10 मीटर आ गया, मैंने 10 मीटर आंसर लिख दिया, ठीक है।
चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू का सॉल्यूशन। सी द क्वेश्चन नंबर टू ऑन योर स्क्रीन। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्रीज टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद इट। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्रीज। तो क्या क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन बोल रहा है कि एक पेड़ है आपका, क्या है? ट्री है ना। ट्री सपोज कर लीजिए बी आर इज अ ट्री, ठीक है, बी आर ट्री है। अब बी स्ट्रॉम आया, आंधी आया, ठीक है ना। अब यहां से ए से टूट के, टूटने के बाद ये कहां पे आ गया? ग्राउंड पे आ गया, सी पे आ गया, ठीक है। ये पेड़ टूटा और टूटने के बाद ऐसे आ गया ग्राउंड पे, ठीक है। अब बोल रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन द फुट एंड सी, दैट मीन जहां पे टच कर रहा है पेड़, जहां पे टच कर रहा है उसका डिस्टेंस कितना है? 8 मीटर है। तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे? बेस, ठीक है। और जो स्ट्रेट दिख रहा था है ना, उसको मानेंगे पी। तो यहां जहां से टच किया उसको नेमिंग मैंने दे दिया ए। ए पी अभी टूटा हुआ है, ठीक है, और ए सी आपका क्या हो गया? एच हो गया, ये पी हो गया और ये बी हो गया, ठीक है। अब मैंने बताया है कि जब भी इस चैप्टर में हम लोग को कोई वैल्यू फाइंड करना रहेगा तो गिवन है और जो निकालना है वो दोनों को कंपेयर कर देंगे। अभी चलो सपोज करते हैं ए बी का वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है, ए बी का वैल्यू फाइंड करेंगे, एसी का वैल्यू फाइंड करेंगे और प्लस कर देंगे तो पूरा पेड़ आ जाएगा ना, ठीक है। तो हम लोग ऐसे करेंगे, पहले ए बी निकालेंगे फिर एसी, दोनों को प्लस कर देंगे तो आर बी का वैल्यू हम लोग को फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ए बी बाई बी सी की है। तो ए बी बाई बी सी की ए बी क्या है? पी है, ठीक है। अब बी सी क्या है? देखो बी सी क्या है? बी है। तो पी बाई बी किसमें होता है? तो पी बाई बी किसमें होता है जी? टैन थीटा में होता है। इसका मतलब ये कौन सा थीटा है? यहाँ पर जो थीटा होगा वो किसका होगा? टैन थीटा होगा, ठीक है। तो टैन थीटा मतलब थीटा का वैल्यू कितना है जी? यहाँ पे बोला कि 30 डिग्री, जब बैंड होता है तो कितना डिग्री बनाता है? 30 डिग्री बनाता है। तो कितना हो जाएगा? टैन 30 डिग्री हो गया, ठीक है। चलिए अब इसके बाद टैन 30 डिग्री का हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे भाई। टैन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? तो टैन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 होता है, लिख दिया, ठीक है। अभी हम लोगों ने पी वाली किया था ना, तो पी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी? भी है पी का वैल्यू हम लोग पता नहीं है, बी का वैल्यू पता नहीं है, पता करना है, ठीक है। और ये जो बीसी दिख रहा था नीचे में, बीसी बीसी का वैल्यू कितना है, मतलब बी का वैल्यू कितना है? 8 है, 8 लिख दिया। अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले को ऊपर वाले के साथ, ऊपर वाले को नीचे वाले के साथ, 8 × 1 करेंगे, 8 हो गया, ठीक है। और √3 × AB करेंगे, √3 × क्या किया? AB किया, तो क्या आ गया आपका? √3 AB आ गया, ठीक है। तो √3 AB इज इक्वल टू क्या हो गया? 8। अब √3 और AB के बीच में क्या है? इंटू का साइन, कुछ नहीं मतलब इंटू है, इंटू इधर चला जाएगा, किसमें हो जाएगा? डिवाइड में। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AB? वी हैव 8/√3 मीटर आ गया, ठीक है। ये हम लोग का AB का वैल्यू फाइंड हो गया। क्या AB का वैल्यू हम लोग को फाइंड करने बोला? नहीं बोला है, ट्री का निकालने के लिए। तो ट्री निकालने के लिए AB प्लस है ना आर ए करेंगे, मतलब AB प्लस AC करेंगे तो आपका आर भी निकल जाएगा। तो अब चलिए AC निकालते हैं, AC को फिर कंपेयर करेंगे। मतलब मैंने बोला ना कि जो वैल्यू निकालना है उसको जो गिवन रहेगा उससे क्या कर दो? कंपेयर कर दो, ठीक है, मतलब उसको अपॉन में लिख देंगे, ठीक है ना। तो आपको क्या गिवन है जी? बी गिवन है, मतलब बीसी गिवन है, बीसी लिख दिया। और क्या गिवन, क्या फाइंड करना है अभी हम लोग को? एसी फाइंड करना। तो गिवन है बीसी और एसी फाइंड करना है, तो लिखेंगे बीसी बाय एसी। तो बीसी जो दिख रहा है वो क्या है? बी एन बी बाय एच लिख दिया, ठीक है। तो अब बी बाय एच किसमें होता है? देखो बी बाय एच किसमें होता है? कॉस थीटा होता है, याद रखना ये सब बातें, ठीक है। तो बी बाय एच हो गया, कॉस थीटा हो गया, यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। तो थीटा मतलब कौन सा थीटा? 30 डिग्री, तो लिखेंगे कॉस 30 डिग्री। अब कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3/2 होता है, लिख दिया, ठीक है। तो √3/2 लिख दिए, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू। और कॉस 30 डिग्री किसके इक्वल है? किसके इक्वल है? BC बाय AC के। तो B बाय H के मतलब B का वैल्यू कितना है? 8 लिख दिया। H के वैल्यू, AC का वैल्यू हम लोग पता नहीं है, वी डोंट नो। तो हम लोग को फाइंड करना है, तो हम लोग को फाइंड करने के लिए फिर से क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाले को नीचे वाले के साथ, मतलब √3 × AC किया, ठीक है। नीचे वाले को ऊपर वाले के साथ, मतलब 8 × 2 करेंगे, क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा। AC देखो फिर ये दोनों के बीच में क्या है? × किसमें होता है? डिवाइड में। तो ये इंटू चला गया नीचे, डिवाइड 16/√3 आ गया AC का वैल्यू, मतलब AB भी आ गया, AC भी आ गया। अब हम लोग को क्या चाहिए? हम लोगों को चाहिए आर बी, मतलब हाइट ऑफ द ट्री चाहिए। तो हाइट ऑफ द ट्री कैन बी रिटन एज आर बी इज इक्वल टू
ए बी प्लस ए सी कर देंगे, तो ये आपका ए बी है और ए सी को क्या कर देना है, प्लस कर, दोनों प्लस कर देंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ए बी का वैल्यू कितना था जी, ए बी अभी हम लोग कितना निकाले हैं, 8/√3 लिख दिया, 8/√3 प्लस ए सी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए सी, वी है 16/√3, तो लिख दिया 16/√3, अभी √3 की √3 का तो मान के मतलब एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो गया, √3 हो गया, ऊपर में 8+16 हो जाएगा, 8+16 कितना होता है 24, तो आ गया 24/√3 कितना आ गया, 24/√3 हो गया। आपको पता है कि कभी भी हम लोग आंसर मतलब डिनोमिनेटर में रूट नहीं लिखते हैं, तो रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे। रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं, रैशनलाइजेशन करने के लिए जो भी डिनोमिनेटर में नंबर है उसी नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो √3 × √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 लिख दिए, ठीक है। अभी यहाँ पे 24√3 था, 24√3 लिख दिए, ठीक है। अभी देखिए √3 × √3 कैसे होता है, ये जान लीजिए, 3 कैसे होता है, √3 × √3 क्या लिख सकते हैं, √√3² कैन वी राइट दिस ना। सो ये जो 2 दिख रहा है ये रूट को काट देगा, है ना, जैसे अमरूद से मतलब चाकू से कटता है अमरूद, वैसे ही 2 से कटता है रूट, तो रूट कट गया और आपका क्या बचा, 3 बचा, इसलिए 3 लिख दिया, ठीक है। अब 3 × 1 = 3, 3 × 8 = 24, अब मेरा क्या बचा, 8√3 लिखेंगे, 8√3, तो हाइट ऑफ ट्री इक्वल टू क्या आ गया, 8√3 meter। चलिए देखते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ सी द सॉल्यूशन ऑफ 3 नंबर, सी द क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 slides फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क, फॉर अ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years, ही प्रेफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप एट अ हाइट ऑफ 1.5 meter, वेरी गुड, एंड इज inclined at the angle of the 30 degree to the ground, whereas for the elder children she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at the angle of 60 degree to the ground, what should be the length of the slide in each case। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्टर वो प्लान किया कि 2 slide लगाएंगे, है ना, बच्चा जिसमें स्लाइड करते हैं, आपने भी स्लाइड किया होगा, मैंने भी किया था बचपन में, ठीक है। तो 2 slide बनाना, एक बड़े के लिए, एक बड़े के लिए और दूसरे छोटे के लिए, तो छोटा का जो स्लाइड है उसका हाइट कितना होगा, 1.5 meter होगा ऐसा बोला, और जहाँ पे टच कर रहा है ना वहां पे कितना डिग्री बनाएगा, 30 degree बनाएगा ऐसा बोला। तो हम लोग को क्या बोला, पूछ रहा है कि ये जो स्लाइड होगा ना वो स्लाइड कितना होगा, वो स्लाइड का लेंथ क्या है, दैट मींस वी हैव टू फाइंड आउट एसी। मैंने अभी बताया आप लोगों को, क्या बताया कि जब भी कंपेयर मतलब फाइंड करना रहे किसी का वैल्यू, तो उसको गिवन वैल्यू के साथ क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे, मतलब ए बी और ए सी को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो ए बी डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, ए सी, ए बी डिवाइडेड बाय ए सी, मतलब ए बी क्या है, पी है, पी लिख दिया, ए सी क्या है, एच, एच लिख दिया, पी बाय एच किसमें होता है, पी बाय एच देखो खोजो किसमें होता है, किसमें होता है, साइन थीटा होता है, वेरी गुड, साइन थीटा, थीटा का वैल्यू कितना है बोला, 30 degree बोला क्वेश्चन, ठीक है। तो साइन 30 degree वी विल राइट, साइन 30 degree का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है, 1/2 लिख दिया, ठीक है। अब साइन 30 degree किसके इक्वल होता है, पी बाय एच का, पी का वैल्यू कितना था जी, 1.5 लिख दिया, ठीक है। एच का वैल्यू क्या था, ए सी हम लोग को पता नहीं है, पता करना है, एसी लिख दिया, ठीक है। अभी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल डू क्रॉस मल्टीप्लाई, ए सी इंटू 1 करेंगे, ए सी आ गया, 2 × 1.5 करेंगे, 2 × 1.5 या फिर 1.5 × 2 करेंगे, आ जाएगा 3 meter, मतलब जो आपका एक स्लाइड का लेंथ पता चल गया क्या है, वो है कितना, 3 meter, ठीक है। चलिए अब चलते हैं सेकंड, इसी के सेकंड पार्ट में, इनको और एक स्लाइड बनाना है, उसका हाइट कितना है, वो है 3 meter का, ठीक है। और ये भी पूछ रहा है कि ये कितना स्लाइड करेगा, है ना, इसका स्लाइड का लेंथ क्या है, मतलब एसी का वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे फिर से कंपेयर करेंगे ए बी और एसी को, ए बी और एसी को कंपेयर करेंगे, मतलब ये पी है और ये क्या है, एच, पी बाय एच फिर से हो गया। अब यहाँ पे पी बाय एच क्या होता है, देखिए पी बाय एच किसमें होता है जी, साइन थीटा में होता है, साइन थीटा लिख दिया। अभी यहाँ पे बोल रहा है कि जब वो टच करेगा ग्राउंड को तो कितना डिग्री बनाएगा, हाँ 60 degree बनाएगा यहाँ पे, तो 60 degree लिख दिया, ठीक है। तो साइन 60 degree का हम लोग को वैल्यू पता करना पड़ेगा, साइन 60 degree का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है, √3/2 लिख दिया, √3/2 हो गया। अभी ये क्या था, साइन था, मतलब पी बाय एच था, तो पी का वैल्यू कितना, 3 है, 3 लिख दिया। एच का वैल्यू कितना पता नहीं, वही पता करना है, नीचे लिख दिया एसी। अभी क्या करेंगे, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, एसी इंटू √3 करेंगे, एसी इंटू √3 किया, ठीक है। और यहाँ पे 3 × 2 करेंगे, 3 × 2 क्या हो जाएगा, 3 × 2 क्या हो गया, 6 हो गया। अभी √3 किसमें है,
मल्टीप्लाई इधर किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। आपको थोड़ी देर पहले बताया मैंने कि कभी भी आंसर के नीचे में मतलब डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए, रूट रहेगा तो क्या कर देना है, रैशनलाइज कर देना। तो रैशनलाइज करेंगे इसको गिवन नंबर से, गिवन डिनोमिनेटर से, तो गिवन डिनोमिनेटर क्या है, रूट थ्री, तो रूट थ्री बाय रूट थ्री कर दिए, रूट थ्री इंटू रूट थ्री हो गया तो क्या हो गया, थ्री हो गया। रूट थ्री इंटू सिक्स हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सिक्स रूट थ्री हो गया। अब अगर पॉसिबल है तो इसको कट कर देंगे, थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स, तो टू रूट थ्री आपका आंसर आ गया। मतलब सेकंड जो आपका स्लाइड है उसका लेंथ कितना होगा, टू रूट थ्री है। क्वेश्चन किसमें पूछा है, मीटर में, तो हम लोग आंसर भी लिखना पड़ेगा मीटर में, यूनिट्स में ध्यान देंगे। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन में, द एंगल ऑफ द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड व्हिच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। Find the height of the tower. देखिए इसमें क्या बोला है कि एक टावर है, ठीक है, क्या एक टावर है और उसका जो फुट है वो डिस्टेंस है कितने पे, सी पे जो डिस्टेंस है वो कितना है, 30 मीटर है, और एंगल कितने डिग्री का बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है, बस ये बोला आपको, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग को क्या निकालना है, आपको पूछा क्या है जी, आपको पूछा है, क्या पूछा है, यहाँ पे ए बी निकालना है, मतलब हाइट ऑफ द टावर निकालना है। तो मतलब ए बी फाइंड करेंगे, तो जो मैंने अभी बताया कि गिवन वैल्यू को जो निकालना है उससे क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो गिवन क्या बाय बीसी है और क्या निकालना है, ए बी निकालना है, तो क्या करेंगे, ए बी बाय ए बी सी करेंगे, ठीक है। तो ए बी बाय बी सी कर दिया, तो ए बी बाय बी सी, ए बी क्या है, ए बी पी है, पी लिख दिया, बी सी क्या है, बी है, तो पी बाय बी क्या होता है, पी बाय बी किसका फॉर्मूला होता है, साइन का, कॉस का, टेन का, किसका होता है, यस टेन का होता है, लिख दिया टेन थीटा, समझ में आया। अब थीटा का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 30 डिग्री गिवन है, 30 डिग्री पुट कर देंगे तो tan 30 डिग्री हो गया। अब tan 30 डिग्री का वैल्यू फाइंड कीजिए, tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, यस tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, लिख दिया। अब 1/√3 किसके इक्वल हो जाएगा, p / b के, तो p का वैल्यू कितना है भाई, p का वैल्यू ab है, फाइंड करना है, नहीं पता है, b का वैल्यू कितना है, 30 मीटर लिख दिया। अभी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाले को नीचे वाले के साथ, नीचे वाले को ऊपर वाले के साथ में करेंगे, तो 30 × 1 करेंगे, 30 × 1 हो गया है ना, और यहाँ पे क्या था, √3 × AB है, √3 × AB कर दिया। अब ये दोनों के बीच में क्या है, इंटू है, तो किस में चेंज जाएगा, डिवाइड में, तो डिवाइड में चेंज कर देंगे, मतलब इधर चला जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो √30 × 1 हो गया 30, √3 कहाँ चला गया, नीचे। अभी मैंने बताया है कि कभी भी डिनोमिनेटर में आंसर में रूट नहीं होना चाहिए, तो क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने के लिए जो गिवन डिनोमिनेटर होता है उसी नंबर से आपको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है, तो इंटू √3/√3 लिख दिए। अब यहाँ पे नीचे देखिए क्या है, √3 × √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 30 × √3 क्या हो जाएगा, 30 × √3। अगर पॉसिबल है तो कट करेंगे, नहीं है पॉसिबल तो छोड़ देंगे एज इट इज। चलिए इसको कट करेंगे, 3 × 1 = 3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 10 लिख दिया, 30 से कट गया है ना, 3 से 10 कट गया, 30 कट गया, बचा 10 आपका, 10 बचा क्या था, √3 लिख दिया, 10 √3 आपका क्या आ गया, हाइट ऑफ द टावर आ गया। अभी क्वेश्चन किसमें पूछा, मीटर में, तो आंसर भी लिखेंगे मीटर में। चलिए देखते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। सी द क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, अ काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेंपरेरली टाइड टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। देखिए क्या बोल रहा है कि एक जो है काइट है, क्या है, काइट है, कहां पे काइट है, हवा में काइट है, ठीक है, उस काइट में से है ना, सपोज कर लीजिए ये आपका क्या है, काइट है, ठीक है, इस काइट में से एक धागा बांधा गया, धागा को बांध के कहां के नीचे रख दिया गया, ठीक है, और जो काइट है उसका जो हाइट है वो ग्राउंड से वो कितना है, 60 मीटर है ना, और वो जो स्ट्रिंग को बांधा गया है, मतलब धागे को बांधा गया है, वो कितना डिग्री बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है, तो 60 डिग्री लिख दिया, ठीक है। तो मैंने बताया है कि जो फाइंड करना है और जो गिवन है दोनों को कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के बाद क्या निकलेगा, वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो गिवन क्या है, ए बी गिवन है, और क्या फाइंड करना है, ए सी फाइंड करना है, इसलिए वी विल कंपेयर ए बी बाई ए सी, ए बी क्या है, पी एफ पी लिख दिया, ए सी क्या है, एच एच लिख दिया, अब पी बाई एच किसका वैल्यू होता है, साइन थीटा का होता है, इसलिए साइन थीटा लिख दिया, थीटा का वैल्यू कितना है, 60 डिग्री, इसलिए लिख दिया साइन 60 डिग्री। अब पी का वैल्यू लिखेंगे, पी का वैल्यू कितना होता है, पी का वैल्यू है 60, उससे पहले साइन 60 डिग्री का वैल्यू लिख लेंगे,
साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, रूट 3/2 होता है, लिख दिया। अब पी बाय एच का वैल्यू लिखेंगे, पी का वैल्यू क्या है जी, 60 मीटर लिख दिया है ना, और एच का वैल्यू हम लोग को पता नहीं है, पता करना है तो लिख देंगे एसी, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे नीचे वाले से ऊपर वाले को नीचे वाले से, ठीक है। तो नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई कर देना, रूट 3 विल मल्टीप्लाई विद एसी, मल्टीप्लाई नहीं होगा, एज इट इज लिख देंगे, 2 × 60 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा, कर दीजिए, ठीक है। अभी रूट 3 किस में मल्टीप्लाई, इधर चला जाएगा, डिवाइड में हो गया, हम लोगों का आंसर क्या आ गया, 120 डिवाइडेड बाय रूट 3। मैंने बताया है कि कभी भी आंसर में, मतलब डिनोमिनेटर में, आंसर के डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए, तो उसको रूट हटाने के लिए क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन करते हैं, जो डिनोमिनेटर में उसी नंबर से डिवाइड इनटू कर देंगे, तो मल्टीप्लाई डिवाइड डिवीजन कर देंगे, जिसको रैशनलाइजेशन बोलते हैं। तो रूट 3 × √3 क्या हो गया, 3 हो गया, 120 × √3 लिख दिया, ठीक है। अब ये 3 × 1 = 3 और यहाँ पे क्या हो गया, 3 × 4 = 40 कट गया, ठीक है। तो आपके पास क्या बचा, 40√3, मतलब ये जो धागा दिख रहा है ए से सी का वैल्यू क्या हो गया, ए टू सी मतलब ए सी का जो वैल्यू है वो कितना हो गया, 40√3 मीटर हो गया। मीटर मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि क्वेश्चन मीटर में बात किया है, समझ में आ रहा है, तो यूनिट में ध्यान देना। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर लेकिन क्या है कि अगर आप नहीं समझते तो ये हार्ड हो जाता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, स्टेप वाइज इसको देखेंगे, ठीक है ना। अब बोल रहा 1.5 meter tall boy is standing at some distance from 30 meter tall building. The angle of the elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree. He walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. देखिए क्या बोला है, बोला एक बंदा, ठीक है, क्या है, एक आदमी है, सपोज कर लीजिए ये आप, ये आदमी है, ठीक है ना, ये क्या है, ये आदमी है, ये आदमी का जो हाइट है वो हाइट कितना गिवन है, 1.5 मीटर, आदमी का हाइट कितना है, 1.5 मीटर टॉल का एक बॉय है, लड़का है, ठीक है ना, आदमी गलती से मुझसे निकल गया था भाई, ठीक है, तो वो बॉय है, ठीक है, तो वो कितना है, 1.5 मीटर, जो बिल्डिंग है पूरा ए टू बी वो कितना है, 30 मीटर है, कितना है, 30 मीटर है। अगर अगर अब जो यहां से जहां से देख रहा, देखेगा तो वो आंख से ना, आंख से मतलब ऊपर वाले पार्ट से, मतलब 1.5 क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो अगर बात करें एफ का, किसका, ए एफ का, मतलब जो एक्चुअली में लाइन बन रहा है ओरिजिनल लाइन, वो कहां पे बनेगा, एफ में बनेगा, तो एफ ए टू एफ का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, 30 माइनस ये जो लेंथ है इसका, उसे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हाइट कितना था बॉय का, 1.5, माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, 28.5 आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को पता करना है कि ये जो बंदा अभी जहां पे खड़ा है ना, वहां से देख रहा है तो 30 डिग्री बना रहा है, और थोड़ा आगे जा रहा है तो कितना डिग्री बना दे रहा है, 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है। हाइट वहां पे तो सेम है, ठीक है, हाइट कितना हो जाएगा, 28.5, ठीक है। अब हम लोग को पता करना है कि ये लड़का जो है ना, जब 30 डिग्री से जा रहा है 60 डिग्री तक, तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, मतलब ये लड़का डी से चलना स्टार्ट किया, कहां तक चलेगा, ई तक सपोज करते हैं, तो हम लोग को फाइंड करना, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डीई, डीई फाइंड करेंगे। सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे भाई, हम लोग फाइंड करेंगे डीएफ, क्या फाइंड करेंगे, डीएफ फाइंड करेंगे, फिर ईएफ फाइंड करेंगे, ईएफ फाइंड करेंगे, और माइनस कर देंगे डीएफ माइनस ईएफ, तो क्या निकल जाएगा, डी निकल जाएगा ना। चलिए तो वही करते हैं, सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, डीएफ, डीएफ मतलब क्या, मैंने बोला ना क्या करना है, जिसको फाइंड करना है उसको, और जो गिवन है उसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो गिवन क्या है भाई, हम लोग का हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग कितना है, 28.5 है, 28.5 को मतलब एफ को कंपेयर करेंगे, एफ को किससे कंपेयर करेंगे, डी एफ से, तो डी एफ से कंपेयर कर दिए, एफ डिवाइडेड बाई डी एफ हो गया, तो एफ एक्चुअली में है क्या, पी है, डी एफ क्या है, बी है। अब पी वाई बी किस में होता है भाई, पी वाई बी होता है टेन थीटा में, लिख दिया। अब टेन थीटा, थीटा का वैल्यू क्या है, 30 डिग्री है, 30 डिग्री लिख दीजिए, ठीक है, टेन 30 डिग्री हो गया। तो टेन 30 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेन 30 डिग्री, 1/√3 होता है, 1/√3 लिख दिया है, रिटर्न दिस, ओके ना। अभी हम लोग को टेन 30 मतलब पी बाय बी का वैल्यू लिखना, पी का वैल्यू कितना, 28.5 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, डीएफ का वैल्यू पता नहीं है, वही तो पता करना है भाई, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले को नीचे वाले के साथ, नीचे वाले को ऊपर वाले के साथ, डीएफ इंटू 1 करेंगे डीएफ हो जाएगा, 28.5 इंटू रूट 3 करेंगे, 28.5√3 हो गया आपका, बन गया, ठीक है। अब इसको इक्वेशन सपोज भी कर सकते हैं, नहीं भी सपोज कर सकते हैं, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू, ओके। चलिए अब हम लोग को पता करना है क्या भाई, ये पता करेंगे और बाद में माइनस करके निकाल लेंगे, डी फाइनल निकालना, ठीक है। तो ये फाइंड करेंगे, तो ये फाइंड करना मतलब
इसको कंपेयर करना पड़ेगा किसी से, तो इसको कंपेयर करेंगे, मतलब अभी छोटे वाले इस एंगल को देख रहे हैं ट्रायंगल को, ठीक है ना। तो EF फाइंड करना है, EF को कंपेयर करेंगे AF के साथ, AF डिवाइडेड बाय EF हो गया। तो AF क्या है, P है, EF क्या है, B है, P by B क्या होता है, tan थीटा होता है, ठीक है, P by B क्या होता है, tan थीटा होता है, लिख दिया आप tan थीटा, मतलब यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना है, 60 डिग्री है, 60 डिग्री लिख दिया आप, tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, रूट थ्री होता है, क्या होता है, रूट थ्री होता है, लिख दिया, ठीक है। अब हम लोग को P का वैल्यू कितना है जी, 28.5, P मतलब F, ठीक है, कितना है 28.5, और B का वैल्यू कितना है, EF है, तो EF लिख दिया, ठीक है। अभी इसके नीचे क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 1 लिख दिया। अभी क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई नीचे को ऊपर के साथ, ऊपर को नीचे के साथ, तो रूट थ्री इंटू एफ हो गया, रूट थ्री किस में है, मल्टीप्लाई में इधर चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो गया, 28.5 रूट थ्री डिवाइडेड बाय आ गया, बात समझ में आया। ये आपका किसका वैल्यू आ गया, इसका किसका वैल्यू आ गया जी, EF का वैल्यू आ गया, किसका वैल्यू आ गया, EF का वैल्यू हम लोगों के पास आ चुका है, कोई दिक्कत। चलिए अभी हम लोग जो है इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग के पास EF आ गया और क्या आ गया, DF आ गया भाई। तो DF में से, ये पूरे में से EF माइनस करेंगे तो आपका DE नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा, चलो DE निकालेंगे, D इक्वल टू क्या लिखेंगे, DF माइनस EF करेंगे, तो DF, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ DF, वी हैव 28.5 रूट थ्री, 28.5 रूट थ्री लिख दिया, ठीक है। अभी इसका वैल्यू क्या है, क्या किसका जी, EF का, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ EF, वी हैव EF का वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ EF, वी हैव 28.5 रूट थ्री, 28.5 रूट थ्री डिवाइडेड बाय रूट थ्री लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, माइनस है, माइनस मतलब क्या करेंगे, मतलब फ्रैक्शन का माइनस है, मतलब वी हैव टू फाइंड आउट द एलसीएम, फर्स्ट ऑफ ऑल एलसीएम निकालने के बाद नीचे और ऊपर वाले को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए यहाँ पे क्या है, 28. यहाँ पे देख लो क्या है, 28.5 रूट थ्री इंटू रूट थ्री हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 28.5 इंटू थ्री हो जाएगा, रूट थ्री इंटू रूट थ्री क्या हो जाएगा, थ्री, मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 85.5 आ गया, तो 85.5 लिख दिया मैंने, ठीक है, बात समझ में आया। अभी यहाँ पे क्या था, माइनस था, माइनस लिख दिया 28.5, तो 28.5 लिख दिया, नीचे में रूट थ्री था, रूट थ्री आ गया, ठीक है। 85.5 माइनस 28.5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 57 बाय रूट थ्री आ गया, 57 बाय रूट थ्री आपका आंसर आ चुका है। बट मैंने बोला कि डिनोमिनेटर में क्या नहीं होना चाहिए, रूट नहीं होना चाहिए, तो रूट हटाने के लिए वी विल डू द रेशनलाइजेशन, रेशनलाइजेशन, तो रेशनलाइजेशन करेंगे तो रूट थ्री बाय रूट थ्री हो जाएगा, रूट थ्री इंटू रूट थ्री, नीचे में रूट थ्री क्या हो जाएगा, थ्री हो गया, ऊपर में क्या, 57 इंटू रूट थ्री हो गया, 57 इंटू रूट थ्री लिख दिया। अभी क्या करेंगे, अगर कट रहा है, इफ इट इज पॉसिबल टू कट, है ना, अगर कॉमन निकालना, कट कट कुछ भी पॉसिबल है सॉल्यूशन करना तो कर देंगे। तो देखो यहाँ पे कट हो रहा है, 3 1 3 एंड 3 19 जा, 3 1 3 एंड 3 9 जा क्या हो गया, 57 हो गया, मतलब हम लोग का जो आंसर है वो क्या आ गया, 19 रूट थ्री आ गया। क्वेश्चन किसने पूछा है, मीटर में, तो आंसर भी क्या लिखेंगे, मीटर, यहाँ पे मीटर यूनिट लगा दीजिए। चलिए ठीक है, ये होता है, ये खत्म होता है एक्चुअली में क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन, ठीक है। आई हैव टोल्ड यू दैट आई विल अपलोड द सॉल्यूशन वीडियो ऑफ आरडी शर्मा, द सॉल्यूशन वीडियो ऑफ एनसीईआरटी बुक, द सॉल्यूशन वीडियो ऑफ आरएस अग्रवाल बुक ऑल्सो, एंड आई विल upload the video of the board paper with the solution, okay? So please subscribe my channel and watch my videos regularly. Bye everyone. Thank you for watching my videos.